उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक सिंचाई राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख जी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं कुछ सवालों पर। जी बलदेव जी, पाकिस्तान में एक इमरान खान के कार्यक्रम में नवजोत सिंह सिद्धू और खालिस्तान समर्थक एक साथ नजर आए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये स्पष्ट हो गया है कि पहले भी जब पंजाब में आतंकवादियों का माहौल था, जो वहां का पंजाब का अमन बिगड़ा था, उस समय भी कांग्रेसियों की सरकार थी। तो ये कोई नई बात नहीं, ये कांग्रेसियों का कल्चर है कि वो आतंकवाद को और ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, उनसे मिलते हैं, ये उनके डीएनए में है कांग्रेस के। तो वो सिद्धू ने किया, कोई अलग से नहीं किया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अब राम पंजाब में या कहीं भी आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे, चाहे कांग्रेस ही जितना मर्जी कोशिश कर ले। मंत्री जी, एक पाकिस्तान ने ऑडियो वायरल किया है जिसमें उन्होंने साफ चेतावनी दी है, 9 मिनट का वो ऑडियो है, कि अगर राम मंदिर बना बाबरी अयोध्या में तो वो यूपी से लेकर दिल्ली तक धमाके करेंगे। देखिए, ऐसा है, राम मंदिर बनेगा और बन के रहेगा, उनके जो धमाके या फुलझड़िए हैं जब मंदिर बनेगा उसको देख लेंगे। राहुल गांधी जी ने कल दिल्ली में कहा है कि किसानों की तरक्की के लिए हमें सीएम बदलना पड़े, सीएम सांसद या कानून भी बदलना पड़े तो हम वे भी बदलेंगे। मैं कहता हूँ, पता नहीं कैसे ये लोग ऐसे बड़े नेता होके ऐसी बातें करते हैं। 70 साल उनका परिवार का राज रहा, एकतंत्र राज रहा, उस समय किसान इनके कहीं एजेंडे में नहीं था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मंत्री योगी जी, जब किसानों के हित की बात, उनकी आय दुगनी की बात, उन्हें सब्सिडी देने की, उनके प्राइस मूल फसलों के दुगने करने की बात आई है, तो आज कांग्रेस के या विपक्ष के एजेंडे पे किसान आया है। किसान तो 70 साल इनकी गवर्नमेंट रही है, उसमें कहीं किसान का जितना शोषण इन सरकारों ने किया है, जितना किसान को इन्होंने नीचे दबाने की कोशिश करी है, तो वो आज किसान अपने आत्मनिर्भर हुआ है, उसे फसल का मूल अच्छा मिलने लगा, उसे बहुत सारे जो उसके कृषि यंत्र हैं उन्हें सब्सिडी 80% सब्सिडी मिल रही है, हर चीज उनको सरकारें मुहैया करा रही हैं। तो आज किसान की दशा बदलने चालू हुई, तो आज ये कह रहे हैं कि हमें उसके कानून लाना पड़ेगा। ये बड़ा हास्यास्पद बयान है उनका और ये सही बयान नहीं। भाजपा के अल्पसंख्यक सिंचाई राज्य मंत्री बलदेव औलख जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। आजम खान, ईटीवी भारत, रामपुर।